तो बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या हिंदुस्तान न्यूजीलैंड को 5-0 से इस T20 सीरीज में हरा पाएगी। देखिए पहला मुकाबला हम जीते 6 विकेटों से, दूसरे मुकाबले में हम एक कदम आगे गए, 7 विकेटों से जीत हुई हिंदुस्तान की दूसरे T20 मुकाबले में। अब क्या होगा तीसरे, चौथे और पांचवें मुकाबले में, आप लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप हमसे पूछे तो मुझे लगता है इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता हिंदुस्तान की टीम को टू गिव वन बैक टू न्यूजीलैंड। थोड़ा बहुत बदला लेना चाहिए हमें न्यूजीलैंड से। मैं जानता हूं काफी अच्छे लोग हैं, वो मन नहीं करता बदला लेने का, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि इस दौरे से पहले हमने न्यूजीलैंड को आज तक केवल 3 T20 मुकाबलों में हराया था। जी हाँ, सही सुना आपने, इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड ओनली ट्वाइस बिफोर दिस सीरीज स्टार्टेड। और अब यहाँ पे आप देखिए, दो बार हम ऑलरेडी न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जितना क्रेडिट इंडिया को मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। हमें लग रहा है कि यार न्यूजीलैंड की तो टीम है, हिंदुस्तान को जीतना था, हिंदुस्तान जीत गया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात है सर, बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप मैदान पे पसीना नहीं बहा रहे इसका ये मतलब नहीं है कि आप पसीना बहाते नहीं है। आप जिम में वर्कआउट करते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग सेशंस में आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको देखना पड़ता है आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, घंटे घंटे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, गर्मी हो ठंड हो, यू नो द इंडियन टीम नेवर मिसेज देयर प्रैक्टिस सेशंस, दे वर्क हार्ड, दे ट्रेन हार्ड एट द जिम। काफी मेहनत लगती है यार बैक एंड पे, एंड आई थिंक आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट द इंडियन टीम फॉर प्लेइंग सम वंडरफुल क्रिकेट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। देखिए आसान नहीं होता, आप पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज खेल रहे थे, अब आप एक अलग टाइम जोन में है, वो जो टाइम जोन है वो आपके 7 घंटे आगे है, आपके बॉडीज को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हम भी कहीं बाहर जाते हैं यार तो 2-3 दिन तो हम सोते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान के पास मौका नहीं था सोने का, और उसके बावजूद आपने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, सारे खिलाड़ी जो है हमारे फॉर्म में है। रोहित शर्मा का जो बल्ला है थोड़ा सा ठंडा जरूर, लेकिन केएल राहुल का जो बल्ला है उधर से आग उगल रहा है। विराट कोहली नंबर 3, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, शिवम दुबे को जो भी थोड़े बहुत मौके मिले इतना बुरा नहीं करा उन्होंने भी, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, मे बी द वीकर लिंक, बट दूसरे मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, जसप्रीत बुमराह की अगर आप बात करें तो जस्सी जैसा कोई नहीं, और अंत में युजवेंद्र चाहल जिनकी अच्छी वापसी हुई है। न्यूजीलैंड की अगर आप टीम की बात करें, शुरुआत सबको मिली है, कभी कभी रन भी लगाए हैं, एक शतक का अर्धशतक लगाया था केन विलियमसन ने, रॉस टेलर ने, कॉलिन मुनरो ने भी लगाया था, लेकिन यार चाहे आप रन लगाए, चाहे आप 200 रन लगाए, चाहे आप 150 रन लगाए, हिंदुस्तान जो है ना अभी आपके आगे है, हिंदुस्तान आपके 2 कदम आगे है ऐसा लग रहा है। और अगर हम 3-0 से जीत भी जाते हैं उसके बाद अगर हम कई खिलाड़ियों को आराम भी देते हैं, हम संजू सैमसन को मौका देते हैं, नवदीप सैनी को मौका देते हैं, तब भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है दे स्टैंड अ चांस टू विन दिस सीरीज 5-0। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट एट द सेम टाइम प्लीज एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस विक्ट्री को ना कम मत समझिएगा, क्योंकि आसान ये बिल्कुल नहीं था। जो बैकएंड पे काम चल रहा है वो इतना कमाल का है कि फ्रंट एंड पे ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ बहुत आसान है, पर कभी भी जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ भी आसान नहीं होता। आई लाइक टू सैल्यूट द इंडियन टीम फॉर प्लेइंग सम वेरी गुड क्रिकेट, और ऐसा लग रहा है कि जो फॉर्मूला है हमारा लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, वो फॉर्मूला हम धीरे धीरे ही सही पर डेवलप कर रहे हैं। काफी लोग कहते थे कि यार हिंदुस्तान T20 जैसे नहीं खेलता, हमारे काफी लोग वक्त लगाते हैं नंबर 4 पे बीच में, जो हमें एक मैं कहूंगा फायर पावर चाहिए होता है, अब वो हमें श्रेयस अय्यर के रूप में देखने को मिल रहा है। शुरुआत में लोग कहते थे कि धवन और रोहित शर्मा दोनों ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, वहां केएल राहुल रन लगा रहे हैं, शिवम दुबे नीचे आके थोड़े बहुत रन लगा रहे हैं। आपकी अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो आपको पता है, सबको अपने रोल्स पता है कि किसको कहां गेंदबाजी करनी है, एंड थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर इंडिया लीडिंग अप टू द 2020 वर्ल्ड कप। आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।